राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन आते ही राजधानी में 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की योजना है। वैक्सीन के रखरखाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई है। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में मरम्मत का काम शुरू हो गया है और वैक्सीन रखे जाने के लिए नया कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जा रहा है। पहले चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। दिल्ली में 2 जगहों को कोरोना वैक्सीन केंद्र के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी नाम शामिल है। कोल्ड स्टोरेज के जरिए दिल्ली के भीतर 600 जगहों पर कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारी है। 15 दिसंबर तक हो जाएगी तैयारियां। RGHS के मीडिया प्रवक्ता डॉक्टर छवि गुप्ता ने कहा कि हमें अस्पताल में कोल्ड स्टोरेज के लिए जगह बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यहां से पूरी दिल्ली में वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर डीप फ्रीजर, कूलर, कोल्ड स्टोरेज बॉक्स और वैक्सीन के रखे जाने संबंधी अन्य जरूरी चीजों को लगाया जाएगा। 15 दिसंबर तक ये सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार खबर है वैक्सीन लगाने का काम 1 जनवरी से शुरू हो सकता है। अलग अलग वैक्सीन के लिए 40 डिग्री, -20 डिग्री और 2 से 8 डिग्री के बीच के तापमान के लिए फ्रीजर लगाए जाएंगे। मौजूदा वक्त की बात करें तो फाइजर इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन आपात स्थिति में प्रयोग के लिए अनुमति पाने की दौड़ में है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।